तो चलिए शुरू करते हैं। हाय बेस्टीज, आज मैं आपको रोज पैलेस बुफे का ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ। अच्छा बस यार, मैं यहाँ पर पहली दफ़ा गई हूँ, लेकिन मैं यहाँ से बहुत इम्प्रेस हुई हूँ, क्योंकि ये बहुत ही प्यारी जगह थी और इन्होंने हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। यहाँ की एंट्रेंस इनकी देखो कितनी अच्छे से सजी हुई थी, इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स बनाए हुए हैं। यहाँ पर जो है मेरा ख्याल से ये बर्थडे पॉइंट था, मैंने भी हर जगह खड़े हो के पूरे शशके पूरे किए हैं। ये बर्थडे पॉइंट ही था, लेकिन इन्होंने यार बहुत अच्छे से इसको डेकोरेट किया हुआ था। यहाँ पर आपको मेरा ख्याल से केक रखते होंगे, यहाँ पर केक कट सेरेमनी होती होगी, और ज़रा देखो इनके बैलून्स मेरे कपड़ों से बहुत सारा मैच कर रहे हैं। भाई वैसे ये जगह डेकोरेशन के लिहाज से 10 आउट ऑफ 10 ही है। भैया मैंने तो यहाँ पर हर जगह खड़े होकर शशके पूरे कर लिए। शशकों के चक्करों में मैंने सोचा मैं अपने भी वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छी लाइटनिंग मेरे मुंह के ऊपर पड़ रही थी। ब्यूटीफुल। एंटर होते ही ये आपको सबसे पहले बेस्ट विशेस देते हैं। अच्छा तो देखो बेस्टीज, ये इनकी एंट्रेंस है, इसके बाद एक दरवाजा आएगा और बहुत सारा खाना आपका इंतजार कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं, ये वाटर्स आ जाएंगे, डिफरेंट टाइप्स के इन्होंने टैंक्स रखे होते हैं, लीची का है, मैंगो का है और ये ऑरेंज का है। साथ ही इन्होंने डिटॉक्स वाटर रखा हुआ है, भाई अपनी पसंद है, जो मर्जी पी लो। उसके बाद ये चाय का सेशन स्टार्ट हो गया था, भाई हर तरह की हर चीज़ पड़ी हुई थी, डिफरेंट टाइप की पत्तियाँ थी, जिसने चीनी खानी चीनी खाओ, शक्कर खानी शक्कर खाओ, मिल्क पाउडर बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ था, जितना मर्जी यूज़ करो। उसके बाद मेरा फेवरेट पिज़्ज़ा पड़ा हुआ था। उसके बाद यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की फ्रूट सैलड्स पड़ी हुई थी, मैंने यहाँ पर नेम प्लेट भी दिखाया है ताकि किसी को कोई भी इशू ना हो। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर दही बल्ले पड़े हुए थे, दही बल्ले ही थे ना, और साथ में क्रॉनी पड़ी हुई थी। नेम प्लेट्स मैंने साथ साथ मेंशन की है ताकि कोई भी नर्वस ना हो। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के पकोड़े पड़े हुए थे यार, यहाँ पर साग का भी पकोड़ा पड़ा हुआ था, मतलब भैया यहाँ पर पकौड़ों की भी डिफरेंट वैरायटीज भरी हुई थी। उसके बाद यहाँ पर स्प्रिंग रोल्स पड़े हुए थे और साथ पोटैटो कटलेट्स थे। फर्स्ट पे मेरा ख्याल से कोई किसी टाइप का स्पेशल पकौड़ा ही था। और आगे चलेंगे तो यहाँ पर हमने ढक्कन हटाया, यहाँ पर फ्राइज़ पड़ी हुई थी, यहाँ पर मिनी शामी बर्गर्स थे, उसके बाद यहाँ पर ये क्या है, शॉर्मास पड़े हुए थे, और ये सैंडविचेस पड़े हुए थे। चाइनीज़ सेक्शन में यार मुझे सैंडविचेस बहुत अच्छे लगे थे, आप भी ज़रूर ट्राई करना। फिर उसके बाद यहाँ पर वाइट सॉस पास्ता पड़ा हुआ था और साथ पिंचोरियन पड़ा हुआ था। इस सेक्शन के लास्ट डिश पे आ जाते हैं, यहाँ पर इन्होंने एग फ्राइड राइस भरे हुए थे यार, ये भी बहुत अच्छे थे, और साथ इन्होंने ब्लैक पेपर चिकन रखा हुआ था। रुको जरा, सबर करो। फिर हम स्टार्ट करते हैं, ये है हमारा देसी सेक्शन, प्लेटें ना ढूंढते रहना, दूसरे सेक्शन पे जाना, वहाँ से प्लेट्स पकड़ना और फिर खाना डालते रहना। यहाँ पर हमने लिया था चाउमीन था और साथ ही मैक्रोनी पड़ी हुई थी। यार इनका चाउमीन भी बहुत ही अच्छा था, मुझे तो अच्छा लगा था, और बाकी अपने अपने टेस्ट होते हैं। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के नान पड़े हुए थे, कोई सा भी नान ले लो, सादा भी था, कलौंजी वाला नान भी था, और यार सादी रोटी भी पड़ी हुई थी, जिसको जो चाहिए वो ले ले। उसके बाद बेस्टीज यहाँ पर चने पड़े हुए थे, ये पता नहीं कौन सा था जहाँ पे खाली था, उसके बाद यहाँ पर हलवा पड़ा हुआ था। मेरे ख्याल से यहाँ पर जो है वो पूड़ियाँ रखी होंगी, क्योंकि साथ हलवा रखा हुआ है और चने भी हैं। फिर ये वाला भी खाली था, उसके बाद यहाँ पर सादे चावल पड़े हुए थे, और यहाँ पर पड़ी हुई थी हलीम थी शायद, या पता नहीं क्या था, ऊपर नेम देख लेना प्लीज़, मैं भूल गई हूँ, क्योंकि इतने सारे सालन थे, इतनी सारी वराइटीज़ थी यहाँ पर। यहाँ पर कीमा है, उसके बाद कोरमा है, उसके बाद माश की दाल है, मतलब यार अगर आप देसी हो तो फिर यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी वैरायटीज मौजूद हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है वो काबली पुलाव था यार, और यहाँ की बेस्ट चीज़ जो थी ना वो ये कोफ्ते थे, मसाला कोफ्ते थे, आई थिंक मटन के थे यार, ये बहुत ही मुझे अच्छे लगे थे। आप भी जाओ तो यहाँ पर ज़रूर ज़रूर ये वाले डिश ज़रूर ट्राई करना। उसके बाद ये हलीम थी, उसके बाद यहाँ पर पालक था, मटन पालक थे,
इसमें थोड़ा सा मटन वैसे कम था लेकिन अच्छा था। उसके बाद यहाँ पर मसाला कबाब पड़े हुए थे, फिर ये पता नहीं कौन सा सालन था ऊपर, नेम प्लेट में देख लेना, आई थिंक निहारी थी ये। क्वालिटी की बात करो तो यार ये क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी, और क्वांटिटी की बात करो तो वो भी बहुत ही अच्छी थी। फिर नेक्स्ट डिश के पास जाते हैं, यहाँ पर बिरयानी थी और ये पता नहीं कौन सा सालन था ऊपर, देख लेते हैं अभी कौन सा सालन है, ये चिकन कौरमा था ये। उसके बाद हम नेक्स्ट डिश पे जाएंगे, यहाँ पर सूप पड़े हुए थे, क्योंकि अब ये सर्दी का इतना मौसम नहीं था तो सूप मैंने टेस्ट नहीं किया, आई डोंट नो कैसा होगा, लेकिन बहुत सारे लोग फिर भी ट्राई कर रहे थे। अगर आप सूप लवर हैं और किसी भी मौसम में सूप पी सकते हैं तो यहाँ पर वैरायटीज़ मौजूद हैं, आएँ और यहाँ पर सूप के मज़े लें। उसके बाद यहाँ पर डिज़र्ट सेक्शन स्टार्ट हो गया था, सबसे पहले यहाँ पर ज़रदा था और उसके बाद गरम गरम गुलाब जामुन, फिर ये पेटू आदमी खट्टा मीठा पानी लेके बैठा हुआ था, और यहाँ पर मौजूद थे गोलगप्पे। अगर आप भी मेरी तरह हो गोलगप्पा लवर तो यहाँ पर चने के साथ हर तरह की चटनी मौजूद थी, सारी डालो, ये पापड़ी पड़ी हुई है, और आराम से गोलगप्पे खाओ, कोई भी कुछ नहीं कहेगा, जितने मर्जी खाओ। फिर भैया यहाँ पर आ गया था सलाद का सेक्शन, यार यहाँ पे देख लो कितनी ज़्यादा वैरायटी है सलाद की, इतनी कलरफुल है, इतनी तो मेरी ज़िंदगी कलरफुल नहीं है जितनी यहाँ पर सलाद कलरफुल पड़ी हुई है, और बहुत ही वैरायटीज़ हैं, मतलब भैया हर टाइप मौजूद है यहाँ पे। ये बढ़िया था गुरु। यहाँ पे आओ थोड़ा सा आगे तो यहाँ पर बिस्किट्स मौजूद थे, और ये मेरा लव फाउंटेन चॉकलेट यहाँ पर मौजूद था। अब मैं आपको करीब से दिखाती हूँ यहाँ पर कितनी सारी वैरायटीज़ मौजूद थी, डिफरेंट टाइप्स की, कलरफुल, प्यारे प्यारे कलर्स की। यार यहाँ पे पेस्ट्रीज मौजूद थी और उनको इतने अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, यार इतने प्यारे रोज़ेस बनाए हुए थे, मतलब इतने प्यारे कलर्स कैसे हो सकते हैं पेस्ट्रीज़ के। यार ये जितनी देखने में अच्छी थी ना, ये खाने में भी उतनी ही अच्छी थी। और यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की, डिफरेंट कलर्स की पेस्ट्रीज़ पड़ी हुई थी। यार ये कौन से कलर्स हैं, यार कितने अच्छे कलर्स हैं, इनको देख के तो मैंने अपनी जितनी भी डाइटिंग थी सारी तोड़ दी। कस्टर्ड्स में भी वैरायटी, ये रहा नहीं जाता। फिर उसके साथ ही ये वाला सेशन था, यार यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के केक्स, अगर आप टी पार्टी करना चाहते हो तो मतलब यहाँ से जितने बिस्किट्स लेने हैं खा लो आराम से, डिफरेंट टाइप की पेस्ट्रीज हैं, इवन हर तरह की पेस्ट्रीज है, हर तरह के बिस्किट्स है। बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है। और यहाँ पर आ जाएगा यार वन ऑफ द बेस्ट सेक्शन, यहाँ पर लाइव आपको सीख कबाब बना के दे रहे होंगे, मलाई बोटी है, टिक्का बोटी है, और ये वाला सेक्शन मुझे पता नहीं था यार ये कौन सा है, यहाँ पे भी लोग खड़े हुए थे लेकिन मैंने देखा नहीं, और यहाँ पर इनकी बाहर की अरेंजमेंट भी बहुत अच्छी लग रही थी। अच्छा ठीक है, ये वाला सेक्शन बताना तो मैं भूल ही गई, ये था वो वाला सेक्शन जो आपको मेन मार्गरेटा सर्व कर रहा था। तो बस चीज़ देखो, मैंने अपनी दोनों प्लेटें भर ली थी, एक चाइनीज़ से भरी थी और एक देसी से भरी थी, जो जो मुझे पसंद था मैंने सब डाल लिया था, लेकिन एक एक डालना क्योंकि वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, और भैया एक ही दफ़ा भर के बैठ जाओ ना प्लेट्स, बार बार क्यों उठना है, बार बार जाओ चीज़ें कुछ ख़त्म भी हो जाती हैं। तो भैया यहाँ पर मैं आपको खा के भी दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं कि मैं कितनी एक्साइटेड थी खाने को देख के, और मुझे क्वालिटी कैसी लगी इसकी। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह। फिर उसके बाद भैया मैंने यहाँ पर अपने पसंद के जितने भी मीठा था सारा भर लिया, क्योंकि मैंने सारा टेस्ट करना था, क्योंकि मैं बहुत ही बड़ा मीठा लवर हूँ। अच्छा सब कुछ खाने के बाद मैं गई अपने फेवरेट सेक्शन पे, चॉकलेट फाउंटेन पे। यार इसको कैसे छोड़ सकती थी, ये तो मेरा प्यार है। और लिटरली भैया मैंने यहाँ पर बहुत सारे ट्राई किए थे, मेरा दिल ही नहीं था भर रहा यार। अगर आप भी चॉकलेट लवर हो तो आप यहाँ पे जाओगे, आपका भी बिल्कुल भी जो है वो दिल नहीं भरेगा, मैंने बहुत सारे ट्राई किए। One hour later. सब कुछ खाने पीने के बाद फिर मैंने यहाँ पर बनाई थी अपने लिए चाय,
वैसे यार मैं टी लवर नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने लिए चाय बहुत ही अच्छी बनाई थी, आप मेरे एक्सप्रेशन से देख सकते हैं। हाँ भैया, नहीं रहा गया मुझसे। चाय के बाद भी मैंने ये चॉकलेट फाउंटेन को ट्राई किया क्योंकि मुझे यार मज़ा आया। तो भैया अब हम जा रहे हैं वापस। मैं आपको ऑनेस्ट ऑनेस्ट रिव्यूज देती जाऊँ, मैं दूंगी 8 out of 10 क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन क्वांटिटी का थोड़ा सा इशू था, जो ख़त्म हो रहा था उसको बार बार रिफ़िल नहीं कर रहे थे। वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, लाइक करो, शेयर करो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।